पंचायत चुनाव के तीसरे चरण का मतदान सुबह 7 बजे से आज शुरू हुआ था। आज तकरीबन 81,616 प्रत्याशियों का भाग्य ईवीएम में कैद हुआ। 35 जिलों के 50 प्रखंडों के 57 लाख मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। समस्तीपुर के उजियारपुर प्रखंड के रामचंद्रपुर बूथ नंबर 244 पर बूथ पोलिंग पर एजेंट और पुलिसकर्मियों के बीच झड़प भी हुई, जिसके कारण वोटिंग का कार्य भी बाधित रहा। वहीं गोपालगंज में मतदान में गड़बड़ी होने का मामला भी सामने आया है। पुलिस ने कार्यवाही करते हुए 4 लोगों को हिरासत में भी लिया है। वहीं 3 दर्जन लोगों के खिलाफ निरोधात्मक कार्यवाही भी की गई है। दरभंगा में SSP के काफिले पर पथराव के बारे में भी जानकारी सामने आई है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ये कहा जा रहा है कि पंचायत चुनाव में वोटिंग का जायजा लेते हुए SSP बाबूराम एक बूथ पर पहुंचे थे, जहां भीड़ को देखकर उन्होंने हटाने का आदेश दिया। बहेड़ी के हाविडीह बसकटी गांव की ये घटना है, जिसके बाद पथराव शुरू कर दिया गया था। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।